आसानी से मैंने हैक्स बनाया, आपके आंखों के सामने बनाया, क्या तरीका है वो भी बताया। बिल्कुल ही ना घबराएं आप, क्योंकि घबराने वाला व्यक्ति हार जाता है और डटा रहने वाला व्यक्ति पार जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज का जो टॉपिक रहने वाला है हैक्स का, ठीक है, तो इसके विषय में मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ था जो कि मिलिंग मशीन के ऊपर मैंने आपको हैक्स बना के दिखाया था कैसे बनाते हैं। उस पर दो तरीका होता है, जो एक तरीका मैंने आपको बता दिया था, जो दूसरा तरीका है वो मिलिंग के लिए मैं कभी और आपके लिए वीडियो ले आऊँगा। लेकिन आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो लेथ मशीन पर हैक्स बनाएंगे, ठीक है। कैसे बनाएंगे, क्या तरीका है, किस तरीके से हम बनाएं कि हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, तो उसके लिए हमें चलना होगा लेथ मशीन के ऊपर। तो आइए चलते हैं लेथ मशीन पर, जिसके लिए आप देखेंगे कि मैंने एक टर्निंग कर लिया है, कुछ बोल्ट टाइप का आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो हेड है ना, हेड में हमें टर्निंग करना है, सॉरी हैक्स बनाना है। ये लगभग 29.4 के करीब में आ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि ये नट है, ये हमारा 6 सूत वाला नट है, ये भी 29 के थोड़ा सा घिसा हुआ है, और इसका जो हैक्स है ये बना हुआ सेम हमें इसमें बनाना है। बना के उसके बाद हमें इसमें थ्रेडिंग करना है। तो ये क्या होता है कि जैसे स्टैंडर्ड मार्केट में मिल जाता है तो ठीक है, नॉन स्टैंडर्ड जो होता है ना उसके लिए हमें थ्रेड करना पड़ता है। और हैक्स अगर कंपनी मांगती है कि रिक्वायर्ड करते कि नहीं मुझे हैक्स बनाकर ही चाहिए हमें नॉन स्टैंडर्ड बोल्ट के लिए, तो उसमें आप कैसे हैक्स बनाएंगे उसके लिए मैं आपको इस बोल्ट को इस लेथ मशीन के ऊपर मैं आपको बना के दिखाऊंगा। तो आप यहाँ पर ठीक से देख पा रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर जो ये जॉज है, जो गुटका है हमारा 4 चक का, इसे मैंने कैसे खोल रखा है। 3 गुटका मैंने बिल्कुल एक नज़दीक में किया हुआ है। आप, मैं चाहूँगा आप बढ़िया से ध्यान दें, ये नोटिस करने वाली बात है। ये मैंने जो 1 2 3 तीनों जो गुटका है मैंने एक जगह किया हुआ, और एक को मैंने ऊपर खोला है। क्यों खोला है ऊपर? क्योंकि जब हम इसे बांधेंगे ना तो ये हमारा इस डायरेक्शन में बंधना चाहिए, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, जब ऐसे हम बांधेंगे तो ये ऊपर के साइड यानी कि आउटनेस इसका होना चाहिए, ठीक है। जब हम ये, क्योंकि हमारे जब भी चक्का ग्राउंड घूमेगी, जब हमारा चक्का राउंड घूमेगी तो ये सारा ना कटे, एक साइड जब आउट रहेगा तो केवल हैक्स जितना दूर में हमें बनाना है इतनी दूरी में हमारा काम हो पाएगा। तो पहले हम इसे बांधते हैं और ट्रू करते हैं। तो जैसे कि अब मैं इसे बांधूंगा तो क्या होगा कि ये हमारा जो नीचे पीछे का जो फेस होगा वो तो सीधा नहीं होगा ना, वो तो आउट हो जाएगा, उल्टा सीधा हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने ऐसा एक जो हमारे पास बोरिंग बार होता है, इसका जो ये सरफेस है, आपके पास अगर परमानेंट का काम हो तो आप ऐसा स्क्वायर राइट एंगल करके लगा सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस वजह से मैं इसी का यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, इसको इसके अंदर यहाँ पर ये चक्के से, इस चक्के से इसको मैं सटाऊँगा, और सटाने के बाद ये जो है ना इसे हम ऐसे पीछे लेंगे, ठीक है। ये देखिए, जैसे हमने चक्के में सटा दिया इसको, इसका फेस और ये टूल के सैंक का फेस सीधा हो गया, और इसके फेस पर ये जो हमारा रॉड है, ये जो हमारा रॉड है, इस रॉड पर हम इसको ऐसे सटाएंगे। इस पर सटाने से फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा बिल्कुल सीधा हो जाएगा। अब तो हमने इसे बांध के सीधा कर लिया। अब सीधा करने के बाद क्या है कि हम कटिंग जो करेंगे वो कितना करेंगे, उसके लिए हमने हैक्स ये यूज़ किया है। तो इसे हम देखेंगे, ये हमारा 29 का है, ठीक है। ये जब हमारा 29 का है तो, और ये जो इसके जो हैक्स जो कटा हुआ है इसका, वो हम चेक करेंगे कितना है, 25.5 है। तो इसमें से आप माइनस करेंगे तो आपका कितना बचा, 3.5, ठीक है। 3.5 में से आप जब 2 बार डिवाइड करिएगा तो कितना बचेगा, 1.75, यानी कि एक साइड का जो कटिंग होगा 1.75 कटिंग होगा, ठीक है। तो जब हम 1.75 एक साइड काटेंगे फिर इसे हम रोटेट करेंगे, तो इससे पहले हम 1.75 कटिंग करते हैं। तो फाइनल हम इसे कट करते हैं, इसके लिए हम मशीन ऑन करेंगे। अब देखिए, मैंने एक साइड रखा था, ये पोजीशन ही केवल कटेगा, ये वाली ही पोजीशन कटेगा, ये हमारा नहीं कटेगा। ऑलरेडी ये इसे माइनस भी है क्योंकि हमें इसके अंदर थ्रेड करना है, तो हम इसे कटिंग करेंगे अच्छे से। तो हमने किया मशीन ऑन और ये कटिंग शुरू हो गई है। जैसा कि अब आप देखेंगे कि मैंने एक साइड से ये कटिंग कर दिया, ठीक है। बिल्कुल आपको जैसा मैंने बताया था कि यहाँ से ये डाउन है तो इससे वो कटेगी नहीं और हमारा एक साइड का कट गया। अब जो समस्या फंसेगा आपका कि अब हम इसे रोटेट कैसे करें, यानी कि घुमाएं कैसे इसे, जब हम घुमाएंगे तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ इसके लिए हम करेंगे क्या, ठीक है। तो अब आपको क्या करना होगा कि ये जो आपका नट है आप इसके डिग्री चेक करेंगे। एक्चुअली इसका डिग्री तो आपको पता ही होगा कि 60 डिग्री में होता है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही बताया, लेकिन फिर भी
आप ऐसे डिग्री प्रोटेक्टर लगाएं और इसके ऊपर ऐसे लगा के देख ली कि आपका कितना आ रहा है। फिर आप इसको अच्छे से टाइट करेंगे, ठीक है। जैसे ये डिग्री प्रोटेक्टर है, आपने इसको ऐसे लगाया और लगा के इसको यहाँ पे आपने लॉक कर लिया। ये आपका क्लियर हो गया कितना है, इतनी एंगल उसमें भी टूटेगी। अब उसको हम वहाँ लेथ मशीन में कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। तो अब आगे का स्टेप, आपको ये जो आपने उसके ऊपर नट के ऊपर लगा लिया था, अब आप ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पर नोटिस करिए, ये जो आपका चक्का का है फेस, ये गुटके का जो फेस है, इस फेस पे ये वाला जो एंगल है ये अपना, इसको इसके ऊपर हमें लगाना है। और ये जो हमने अभी फेस किया था, इस ये जो डिग्री टूटी हुई है, इस डिग्री पे इसको ऐसे रखना है, ठीक है। इसके ऊपर हम रखेंगे सीधा और इस डिग्री को ऐसे बिल्कुल मैच करेंगे। आप यहाँ से आगे देखेंगे शायद थोड़ा बिल्कुल कम जगह में है, क्योंकि मैं लेथ मशीन पर बता रहा हूँ। बहुत सारे तरीक़ा हैं बढ़ाने का, लेकिन एक ये भी तरीका देखिए, ये ऐसे आएगा और ऐसे आके यहाँ पे ऐसे लग जाएगा, ठीक है। ये आपका गुटके के ऊपर सीधा हो गया, और ये जो डिग्री टूटा हुआ था जिसके दम पे आपका जो ये वाला अब एंगल में आ गया है। उसके बाद आप इसको टाइट करें, उसके बाद फिर ये दूसरा हिस्सा है, इसको हम फेस करेंगे। तो ये मैं आपको फिर से एक बार रिमाइंड करा दूँ कि यहाँ पर जो है ना, ये गुटका और इसके बीच में जगह बहुत कम है, ठीक है। इसको आपको ध्यान से रखना है, ये नहीं कि आपने जादू की तरह घुमा दिया, ऐसा नहीं होता है। हर काम को थोड़ा सा करने के लिए टफ होता है, लेकिन आसान बनाना अपना काम होता है। तो हमने इसके ऊपर टच किया और ये जो रीडिंग है इसके ऊपर हम ले आके ऐसे, क्योंकि ये हमारे में इसके अंदर पीछे पूरा चाल होता है, ठीक है। ये तो यहाँ पर आकर रुक जाएगी, लेकिन ये पूरा चाल है, ठीक है, क्योंकि ये आपका डिग्री बंधा हुआ है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो आपको इसके ऊपर रखना है और इसको हल्का सा आगे सरकाना है, और ये आपका सरफेस पे आके लग जाएगा। और आप देखिए, इसके नीचे से मैं दिखाना चाहूँगा, बिल्कुल जो एंगल है वो आके इसके ऊपर टच होगी। देखिए, दिख रहा है ना आपको, ये मैं बारीकियाँ बता रहा हूँ ताकि आप फंसे नहीं। अब हम इसे टाइट करेंगे और दूसरी साइड से फेस करेंगे, और ये अब हमने जो डिग्री तोड़ा था उसके हिसाब से अब दूसरी कटिंग हो रही है, ठीक है। इसे कटिंग करके फिर हम सेम प्रोसेस ऐसे ही अपनाएंगे तीसरे कटिंग के लिए भी, चौथा, पांचवा, छठा, इसी तरीके से आप पूरा जो छः है हैक्स है ये आप बना सकते हैं। तो मैं आपको क्लियर अभी बना के दिखाऊंगा कि कैसा है। बिल्कुल घबराइए मत, ऐसा मत सोचिए कि मैंने आपको सब कुछ अभी बता दिया। वीडियो में बने रहें और आपको मैं एक एक चीज़ जो अभी इसके अंदर जो बारीकियां हैं वो भी बताऊंगा, जो कमियां हैं वो भी बताऊंगा। तो ये देखिए, अब हमारा ये दूसरे साइड हो गया। आप देख पा रहे होंगे कि हैक्स के डिज़ाइन में ये तब्दील हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है ना। और आसानी से लेथ मशीन पर ही मैं आपके आंखों के सामने बना के, इसके अभी एक और कमी है, मैं आपको बताऊँगा इसके अंदर क्या कमी है वो भी बताऊँगा, और क्या इसका प्रॉफिट है वो भी बताऊँगा। तो ये अब हमारा दूसरा हो गया, अब हमें तीसरा करना है। फिर से मैं आपको एक बार रिमाइंड कराता हूँ कि यहाँ पर हमारे लगाने का जगह ये जो है कम है। इसके लिए आपको बिल्कुल, मैं यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल नोट करिएगा इस चीज़ को मैं कैसे, जैसे कि ये जो डिग्री पे आप लगा रहे हैं ना, तो ये हमें यहाँ पे टक्कर नहीं करना है। इसके ऊपर हम टक्कर करेंगे ऐसे, ठीक है, ऐसे टक्कर करके इसको स्लाइड करेंगे आगे के साइड। जब आगे के साइड आप इसको स्लाइड करिएगा ना, तो ये जो हमारा टूल का है, सॉरी, ये जो गुटके का है, इसके ऊपर ये आके टक्कर करेगी, यानी कि फिर ये राइट एंगल हो जाएगी, सीधा हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद ये जो फेस है, आपको मैंने बता रखा है कि ऐसा है, राइट एंगल कोई गुटका रखें और इसको आप इसके ऊपर सटा कर बांधें, ताकि ये आपका जो होगा ना बिल्कुल सीधा आएगा। और ये हमारी तीसरी साइड भी कंप्लीट होने वाली है, और ये कंप्लीट होते ही चौथे साइड की तरफ हम बढ़ेंगे। और बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग घबरा जाते हैं कि कुछ नहीं होगा, बिल्कुल ही होगा, आप चिंता मत करें। मेरे से जो भी हो सकता है मैं आप लोगों के लिए 100% लेके आऊँगा। अब देखिए, यहाँ पर आइए, आपको मैं काउंट कराता हूँ। देखिए, 1, 2 और ये 3, 3 साइड हो गया ना, अब 3 साइड बचा है, तो उसे भी हम फटाफट करते हैं। ये जो है, फिर से मैं आपको एक बार रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे डिफ़िकल्ट है। आपको लगेगा सर ने क्या बता दिया, लेकिन यकीन मानिए आप जानोगे कि हाँ, वाक्य में बहुत आसान है। जब एक से दो बार आप करोगे ना ऐसे रख के, जब आप इसको स्लाइड कर दोगे तो आपको लगे अरे यार ये तो बिल्कुल ही आसान था, मैं कहाँ था अब तक। ये बहुत ही आसान है, आपको थोड़ा सा शुरू शुरू में डिफिकल्ट लगेगा, पर घबराइएगा मत। ऐसे आपको रखना है इसके डिग्री पे और ऐसे स्लाइड कर देना है, सिंपल है। और ये फाइनली हमारा चौथा साइड भी हो गया, अब करेंगे पाँचवा। और ये हमारा पाँचवा साइड भी कम्प्लीट होता है यहाँ पर, ये मैंने पाँचों कर दिया। अब आखिरी साइड है,
अब जो हमारा ये लास्ट बच रहा है, आप देखेंगे चारों तरफ से मैंने इसे कर दिया है, छह तरफ से ये जो हमारा है छठा है, इसे हम कंप्लीट करते हैं और फिर इसका फाइनल लुक देखेंगे। और ये फाइनल अब हमारा हो चुका है और फाइनल लुक देखने के लिए मैं भी तैयार हूँ और आप भी तैयार हैं। देखते हैं इसका फाइनल लुक, इसे खोलते हैं अच्छे से पहले हम और इसका लुक देखते हैं कि क्या ये हमारा हैक्स बन के। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका हैक्स बन के तैयार है। ये जो हमारा हैक्स है ये देखिए बिल्कुल सेम ऐसे मैच भी करेगा, आप चाहे जैसे मैच करना चाहें कर सकते हैं। ये देखिए जी हाँ बिल्कुल ये हैक्स बन के तैयार है और इसमें ये हम स्पैनर चाबी लगा के भी देखेंगे। ये देखिए चाहे कहीं से डाल लीजिए आप। ये देखिए अब क्या करें, आप हैक्स बांधें और इसके ऊपर आराम से आप टर्निंग करके थ्रेड जो भी डालना है नॉन स्टैंडर्ड डाल के आप कहीं भी इसे लगा सकते हैं। तो हैक्स का जो प्रोसेस था आपने देखा कैसे बनाते, घबराइए मत, मैं हमेशा कहता हूँ घबराइए मत। ऊपर जगह कम बच रहा है, ऊपर जगह जो डिग्री प्रोटेक्टर आप लगा रहे हैं ऊपर जगह कम बच रहा है, आप वहाँ पर जाके घबराएंगे, बिल्कुल ना घबराएं। आपको इसके ऊपर ऐसे लगाना है और लगाने के बाद हल्का सा ऊपर रख के हल्का सा, और उसके बाद आप इसको स्लाइड करेंगे तो आपके चक्के के गुटके पे जाके टच करेगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, आप घबरा जाएंगे तो फिर काम कैसे होगा। तो देखा आपने बहुत ही आसानी से मैंने हैक्स बनाया, आपके आंखों के सामने बनाया, क्या तरीका है वो भी बताया। बिल्कुल ही ना घबराएं आप, क्योंकि घबराने वाला व्यक्ति हार जाता है और डटा रहने वाला व्यक्ति पार जाता है, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। और जब आप करिएगा ना तो आपको खुद ब खुद रास्ता आइडिया आगे का खुलता चला जाएगा, आपको पता लगेगा हाँ मुझे क्या करना है। ना समझ में आए वीडियो पे आके एक बार वॉच करें, दोबारा देखें, तिबारा देखें, बिल्कुल देखें, घबरा के ना शांति से देखिए, आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपका काम आसान हुआ है तो चैनल को लाइक करना ना भूलें और सुपर थैंक्स भी आप दें ताकि मुझे हिम्मत मिले आप लोगों के लिए कुछ नया करने के लिए। फिर मिले हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।